नमस्कार दोस्तों, जिसने भी TKR करवाया है, जिसने अपना घुटना बदलवाया, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको पार्ट सेकंड है ये इसमें बताऊंगा। और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो जो 2 वीक के बाद में हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वो एक बार मैं इस वीडियो में आपको फिर से दिखाऊंगा। और हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मोड़िए, पैर मोड़िए, ऐसे एकदम बिल्कुल स्लो स्लो पैर मोड़ना और सीधा करना है। सीधा करिए अभी, हाँ कंटिन्यू करिए, दोनों से करेंगे। वेरी गुड, इस तरीके से मोड़ना है, सीधा करना है। जिसने भी अपना घुटना बदलवाया, उसके लिए ये सभी एक्सरसाइज हैं और रेगुलरली हम लोग इन एक्सरसाइज को करेंगे। दूसरे पैर को भी मोड़िए और अल्टरनेट मोड़ भी सकते हैं, सीधा करिए फिर से। इस तरीके से कंटिन्यू करना आपको। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हम दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे इस तरीके से, और एडी के नीचे हम तकिया लगा लेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाएंगे, मीडियम साइज का एक तकिया रहेगा, वो लगा लेंगे और नीचे की तरफ दबाएंगे। दबाओ नीचे, छोड़ो, फिर से दबाओ, दबा के होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। देन उसके बाद में हम फिर छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इस तरीके से भी करना आपको। सेकेंड एक्सरसाइज ये है। अभी हम पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के बाहर की तरफ लेके आएंगे। उठाइए पैर को ऊपर और बाहर की तरफ लेके आएंगे, रोकेंगे बस यहीं पर। इस तरीके से उठाना और बाहर रोकना है 5 सेकंड के लिए, फिर वापस लेके जाइए बंदा। फिर से ले आइए बाहर, फिर नीचे लेके जाइए, उधर लेके जाइए। इस तरीके से थर्ड एक्सरसाइज आपको ये करनी है। और इसके बाद हम पेशेंट को इस तरीके से बेड पे बिठा देना है, और बेड पे बैठने के बाद में वो अपने हिसाब से, और बेड की हाइट इतनी रहनी चाहिए अभी स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम ऊपर उठेंगे। खड़े हो जाइए अभी, वेरी गुड, बैठ जाइए, कीजिए 2-4 बार कंटिन्यू कीजिए। कैसा लग रहा है? इन्होंने अपना TKR करवाया है। इस तरीके से बेड से उठेंगे और बैठेंगे हम लोग। देखिए आपके सामने बिना सहारे के उठ रहे हैं बिल्कुल, और 70 ईयर ओल्ड हैं ये, लेकिन लगता नहीं है। अभी हमने जिस बेड से इनको ऊपर उठने के लिए कहा, उसकी हाइट ऊपर थी, और इस वाले बेड की हाइट नीचे है। इसमें आप चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे से उठना है। चलिए उठेंगे इसमें, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ये एक कबड्डी प्लेयर हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पंजे के ऊपर उठेंगे, एडी को ऊपर उठाएंगे हवा में। और ये वाली एक्सरसाइज का भी हम प्रैक्टिस कराते हैं पेशेंट्स को, और उनको भी धीरे धीरे, पेशेंट को भी ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। इस तरीके से स्टेप उठाएंगे हम ऊपर, उठाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप्स उठाने और कंटिन्यू करने हैं इनको। आपके घर में इस तरीके से सीढ़ियाँ हो, या फिर कोई भी जो स्टेयर है, नॉर्मल स्टेयर होती हैं, या फिर जैसे बाहर छत पे हो, इस तरीके की हो, इस पे साथ में चले जाना है और इसके ऊपर एक एक स्टेप रखवाना है। चलिए आराम से, बस 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 बस, ऊपर नहीं जाइए, आ जाइए आराम से, पकड़ते हुए आएंगे, आते टाइम पे पकड़ते हुए आएंगे आराम से। कहना यहाँ से पकड़ना है और एक स्टेप ऊपर रखना है, वापस नीचे रखना है, ठीक है? हाँ रखिए, वेरी गुड, फिर वापस नीचे। इस तरीके से बहुत फुर्तीले हैं ये और बड़े स्पीड से काम करते हैं। इस तरीके से चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ना है, एक बार उनको सिखाना है, हमें मरीज को सिखाना है। वेरी गुड अंकल, बहुत फास्ट करते हैं एक्सरसाइज, बहुत ट्रेंड हो गए हैं, वेरी गुड। इस तरीके से आपको एक एक सीढ़ियाँ चढ़ना है, एक एक सीढ़ियाँ वापस उतरना है, और इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करेंगे तो आप एक साथ 2 फ्लोर की आराम से सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, और आपका पैर भी ताकत लेने लगेगा। आपका पैर में की जो ताकत है वो बढ़ेगी, और अब पूरा शरीर का वजन भी लेने लगेगा आपका पैर।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार जो हम नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद में हमारे पैरों के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है, और स्वेलिंग बढ़ जाती है और बहुत ये टाइट होती है, जिसकी वजह से बेंडिंग भी हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है कि एक इस तरीके से तकिया लेना थोड़ा सा, ठीक है, और एड़ियों के नीचे इस तरीके से लगाना है। इसको लगा के ऊपर रखेंगे तो ये पैरों की जो सारी स्वेलिंग है ये उतर जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम ढीले ढीले, जिससे कि आपके एकदम बिल्कुल, और आपको मोड़ने में बहुत आसानी होगी और आप इसको फटाफट आप मोड़ पाएंगे। जब तक ये स्वेलिंग बनी रहती है ना तो ये मोड़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सा पेनफुल भी होता है और मुड़ता भी नहीं है पैर हमारा वैसे। तो आपको इस तरीके से तकिया लगाना है और तकिया लगा के लेटे रहना है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे आ जाएगा और वो स्वेलिंग भी हमारी कम हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।